जो भी यात्री जयपुर घूमने जाता है वह सिटी पैलेस और हवा महल के अलावा जंतर मंतर भी अवश्य देखता है। यह जयपुर में देखने की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जिसे सिर्फ स्थानीय या भारतीय ही नहीं विदेशी नागरिक भी देखना पसंद करते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर अपने आप में एक अजूबा है। यह सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ा पत्थर से निर्मित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका अपना एक आकर्षण है और इसके पीछे का कारण है। इससे जुड़ी रोचक जानकारियाँ, हो सकता है कि आपने कई बार जंतर मंतर को देखा हो लेकिन आप अभी तक इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से अनजान हो। तो चलिए आज हम आपको जयपुर के जंतर मंतर से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फैक्ट्स नंबर एक, पांच ऑब्जर्वेटरीज में से है एक ये। जयपुर में जंतर मंतर महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित पांच ऑब्जर्वेटरीज में से एक है, जो जयपुर के संस्थापक और एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर भी थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान उन्होंने भारत में नई दिल्ली, मथुरा, जयपुर, वाराणसी और उज्जैन में पांच जंतर मंतरों का निर्माण किया, जिनमें जयपुर की ऑब्जर्वेटरी पांच ऑब्जर्वेटरीज में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी संरक्षित है। जंतर मंतर जयपुर को दिल्ली की ऑब्जर्वेटरी के आधार पर बनाया गया। फैक्ट्स नंबर दो, यूनेस्को साइट है ये। जंतर मंतर यूनेस्को द्वारा लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। जंतर मंतर अपने नाम को सार्थक करता है। जंतर का अर्थ है यंत्र और मंतर का अर्थ है सूत्र या गणना, इसलिए जंतर मंतर का सामूहिक अर्थ है गणना यंत्र। जयपुर का जंतर मंतर पुराने शहर में सिटी पैलेस और हवा महल के बीच स्थित है। फैक्ट्स नंबर तीन, जंतर मंतर का उद्देश्य। जंतर मंतर का निर्माण समय और स्थान का अध्ययन करने के लिए किया गया था। जयपुर की यह रचना 19 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का एक परिसर है, जो अभी भी संचालन में है और इसका इस्तेमाल अभी भी गणना और शिक्षण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सूर्य के चारों ओर कक्षाओं का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहाँ की कुछ रचनाएं पत्थर, संगमरमर और तांबे से बनी हैं। वहीं 19 इंस्ट्रूमेंट में से कुछ चक्र यंत्र, दक्षिण भित्ति यंत्र, दिगंशा यंत्र, दिशा यंत्र, कनाली यंत्र और पलभा यंत्र आदि हैं। फैक्ट्स नंबर चार, विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सन क्लॉक। जयपुर के जंतर मंतर की एक खासियत यह भी है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है, जिसे वृहद सम्राट यंत्र कहा जाता है। यह रचना लगभग 27 मीटर ऊंची है। इस विशाल सम्राट यंत्र के निर्माण के पीछे का कारण इसकी सटीकता है। दरअसल एक छोटा उपकरण सटीक समय बताने में विफल रहा, इसलिए उपकरण के आकार को बढ़ाने का एकमात्र विकल्प बचा था, जिसके बाद इस सन क्लॉक का निर्माण किया गया। फैक्ट्स नंबर पाँच, यहाँ घूमने का है अलग आनंद। यूँ तो जयपुर में जंतर मंतर को देखना यकीनन एक अविस्मरणीय अनुभव है, लेकिन अगर आप यहाँ है तो आपको यहाँ एक कलेक्टिव टिकट मिलती है, जिसकी मदद से आप जंतर मंतर के अलावा हवा महल, नाहरगढ़ किला, आमेर का किला और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भी देख सकते हैं। वहीं अगर आप जंतर मंतर के बारे में अधिक गहन जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो ऐसे में आप जंतर मंतर पर अधिक शुल्क देकर कई भाषाओं में ऑडियो गाइड व सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अभी कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ घूमना संभव ना हो, लेकिन एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद आप इस अद्भुत जगह पर एक बार जरूर जाएं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो कृपया इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इजाजत दें।